मेरा नाम है हरिओम राठौर और आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर में। आज हम इस 6+6 30 इंच ब्लेड सीलिंग फैन को बाइंड करना सीखेंगे। तो यह इसका स्ट्रेचर है। इस स्ट्रेचर में 6 कॉइलें नीचे डाली जाती हैं और 6 कॉइल ऊपर डाली जाती हैं। नीचे की ओर जो कॉइल इसमें डाली जाती है वह है स्टार्टिंग कॉइल कहलाती है और ऊपर की तरफ जो कॉइल इसमें बिठाली जाती है वह है रनिंग कॉइल कहलाती है। इसमें जो नीचे स्टार्टिंग कॉइल रहती है वह है 36 नंबर वायर से 1-4 इसकी पिच रहती है। 36 नंबर वायर से इसको बाइंड किया जाता है और इसके स्टार्टिंग के टर्न 550 रखे जाते हैं और इसके बाद ऊपर रनिंग की जो बाइंडिंग की जाती है वह 1-4 में इसकी पिच रहती है और इसको भी 36 नंबर वायर से हम बाइंड करते हैं, जिसमें कि टर्न 550 लगाए जाते हैं। उनको हम 570 भी कर सकते हैं। इसकी स्ट्रेचर और लेंथ 1.5 इंच रहती है और कोर सभी लेंथ में हो सकती हैं, 0.5 इंच, 1 इंच, 0.5 इंच। तो इस प्रकार यह 6+6 30 इंच सीलिंग फैन रहता है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग कॉइलों को बाइंड करेंगे। तो हम इसके रनिंग पेपर जो हमने पहले से ही इंस्टॉल कर लिए हैं इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। इस स्टेटर में 24 स्लॉट रहती हैं। तो चलिए अब हम इसकी रनिंग कॉइल के पेपर बाहर निकाल लेते हैं। इस स्टेटर में हम 7 नंबर फिल्म पेपर का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार हम सभी रनिंग पेपर को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह हमारे स्टार्टिंग के पेपर इसमें लगे हुए हैं जिसकी कि पिच 1-4 रहती है और इसके कनेक्शन हम मशीन में, एक बार मशीन सीधी घूमती है और एक बार
उल्टी घूमती है तो कनेक्शन उसी में हो जाते हैं। हम इसको हाथों के द्वारा भी बाइंड कर सकते हैं, पर उसका वीडियो हम अलग से बनाएंगे और उसमें कनेक्शन करके दिखाएंगे। तो अभी हम इसको मशीन के द्वारा बाइंड करेंगे, तो चलिए अब हम बाइंडिंग मशीन पर इसे सेट कर लेते हैं और बाइंड करना शुरू करते हैं। तो बाइंडिंग शुरू करने से पहले हम इस स्टेटर में इस प्रकार पेपर लगा लेते हैं ताकि बाइंडिंग करते समय हमारा वायर कटे ना छिले ना। तो देखिए दोस्तों, 36 नंबर का टेयर है, इसमें 36 नंबर वायर है। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर को बाइंडिंग मशीन में सेट कर लिया है और इसकी डाइयों को अच्छी तरह से इसमें कनेक्ट कर लिया है। तो इस प्रकार अब हम बाइंडिंग करना शुरू करते हैं। बाइंडिंग करने से पहले हम जिस सिरे से बाइंडिंग करना शुरू करते हैं उसको डबल कर लेते हैं। तो अब हम मशीन के मीटर को सेट कर लेते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग कॉइल में 550 टर्न सेट कर लेंगे और टर्न सेट करने के बाद अब हम बाइंड करना शुरू करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें रेड बटन को ऑन करेंगे और बाइंडिंग शुरू हो गई है दोस्तों। मीटर रीडिंग दिखा रहा है और देखिए हमारी पहली स्टार्टिंग कॉइल स्टेटर में डलना शुरू हो गई है। तो इस प्रकार हम बड़ी ही आसानी से पहली कॉइल स्टेटर में डाल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यह हरा एलईडी जलने लगा है। तो अब हम दूसरी ओर बाइंडिंग करेंगे। तो मीटर को सेट कर लेते हैं और हरे स्विच को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीटर रीडिंग दिखाना शुरू हो गया है और हमारी कॉइल भी स्टेटर में डलना शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, दूसरी कॉइल हमारी स्टेटर में डलना शुरू हो गई है और इस प्रकार हम दूसरी कॉइल डालकर कंप्लीट कर लेते हैं और इसमें 560 टर्न लगे हैं। हमें 5-10 टर्न यदि कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देखिए दोस्तों, हमने सभी कॉइलों को स्टेटर में ऐड कर लिया है और हमारी स्टार्टिंग कॉइल कंप्लीट हो गई हैं। तो यह देखिए, इसके यह स्टार्टिंग कनेक्शन है और कनेक्शन के बाद अब हम कॉइलों के ऊपर सेपरेटर पेपर लगा लेते हैं ताकि हमारा वायर स्टेटर की बॉडी से शॉर्ट ना हो और करंट आने का डर ना रहे। तो इस प्रकार हम सेपरेटर पेपर कॉइल के ऊपर लगा लेते हैं, जिसे स्लॉट पेपर भी कहा जाता है। इसी प्रकार हम सभी पेपर कॉइलों के ऊपर सेट कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, हमने स्लॉट पेपर स्टेटर में लगा लिए हैं। अब हम इसके ऊपर कॉइलों के ऊपर मेडिकल टेप लगाएंगे और देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने मेडिकल टेप भी स्टेटर में स्टार्टिंग कॉइल के ऊपर लगा लिया है और हमने
रनिंग कॉइल के पेपर भी इसमें ऐड कर लिए हैं। अब हम रनिंग कॉइलों को स्टेटर में ऐड करेंगे। उसके लिए हम देखिए दोस्तों, मशीन में स्टेटर को सेट कर लिया है और अब हम इसके टर्न मीटर में सेट कर लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हम कॉइल डालना शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले रेड एलईडी को ऑन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मीटर रीडिंग दिखाने लगा है और हमारी कॉइल ऐड होने लगी है। रनिंग कॉइल में भी हम 550 टर्न लगाएंगे। हम इसमें 570 टर्न भी लगा सकते हैं, पर हम इसमें 550 टर्न ही लगाएंगे। तो पहली कॉइल हमारी ऐड हो गई है और हरी एलईडी हमारी ग्लो करने लगी है। तो अब हम हरे एलईडी बल्ब को देखते हैं और स्विच को ऑन करते हैं। तो यह देखिए दोस्तों, अगली कॉइल हमारी स्टेटर में ऐड होने लगी है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार हम कॉइल को ऐड कर लेते हैं और 550 टर्न पूरे हो जाते हैं। इसी प्रकार हम सभी कॉइलों को स्टेटर में ऐड कर लेते हैं और देखिए दोस्तों, हमारी रनिंग कॉइल बाइंडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम मशीन से स्टेटर को बाहर निकाल लेते हैं और स्टेटर को बाहर निकालने के बाद अब हम इसकी टेपिंग कर लेते हैं और कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने स्टेटर की टेपिंग कर ली है और यह ब्लैक वायर हमारे स्टार्टिंग कॉइल के हैं और रेड वायर रनिंग कॉइल के हैं। तो यह हमारा पिछला हिस्सा है जिसकी भी हमने अच्छी तरह धागे से टेपिंग कर ली है और कनेक्शनों को बाहर निकाल लिया है। अब हम इस सीरीज लैंप से हमारी बाइंडिंग को टेस्ट कर लेते हैं। तो सीरीज स्विच को सीरीज लैंप में लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, बल्ब जलने लगता है। अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग कॉइल को लगाते हैं तो देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब धीमा जल रहा है और रनिंग कॉइल में भी बल्ब धीमा जल रहा है। और हम इसका बॉडी शॉट भी देख लेते हैं कि बॉडी में कोई किसी प्रकार करंट या शॉक तो नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें।